बाबा भीमराव अंबेडकर व सर छोटराम के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हूँ कि जैसे साहब ने बड़ी बातें बताई बाबा साहब के बारे में भी और सर छोटराम के बारे में भी, लेकिन मैं उनकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर को किसी जाति विशेष तक सीमित रखना या सर छोटराम को किसी जाति विशेष तक सीमित रखना, वो दोनों ही उनके साथ मेरे हिसाब से देश में किसी की तुलना नहीं की जा सकती। बाबा साहब से भी कोई बड़ा था, बहुत बड़े थे, हम भी उनको मानते हैं, और सर छोटराम भी, वो गरीब के, मजदूर के, किसान के भगवान थे, उनको छोटा राम कहा गया था। उन्होंने मजदूर की लड़ाई लड़ी, उन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी, एक विचारधारा के थे। और बाबा भीमराव अंबेडकर सर छोटराम से बड़ा स्नेह करते थे और उनके विचारों से सहमत थे। उन्होंने भी उनको बड़ा हौसला दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने भी हर जगह सर छोटराम की मदद की है और तारीफ की है, तो उनको हम जातियों तक सीमित नहीं रख सकते। दूसरी बात, आज हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यहाँ स्टूडेंट भी आए हुए हैं, तो हम क्या है, हम बाबा साहब अंबेडकर को, उस महान आत्मा को, सर छोटराम को एक राजनीतिक तक सीमित रखते हैं। उनका हम यूज करते हैं स्टेज पे भाषणों में, उसके बाद उनके विचारों पे चलने का प्रयास नहीं करते। सर छोटराम कहते थे कि शिक्षा शेरणी का दूध है, जो पिएगा उधाड़ेगा। जैसे साहब ने कहा कि मेरे कपड़ों से वही खुशबू आ रही है, क्योंकि ये पढ़े और इन्होंने नौकरी की, इन्होंने शेरणी का दूध पी रखा है। तो सबसे पहले समाज में ये बताओ कि भाई शिक्षा सबसे जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सर छोटराम कहते थे कि अपने एक बच्चे को शहर में भेजो। एक बच्चे को शहर में भेजने का क्या मतलब था कि ये जमीन जायदाद जो है, ये एक बच्चा खेती करेगा किसान का, तब भी वही इसमें अनाज पैदा होगा उतना ही। एक एकड़ में कोई 200 मण गेहूं नहीं पैदा कर सकता, कोई 100 मण नहीं कर सकता, वही जो 50 से 60, 60 से 70 मण गेहूं पैदा हो जाएगा, उतना 300 से 400, 500 क्विंटल गन्ना पैदा हो जाएगा। तो दूसरा लड़का शहर में जाएगा, कमाएगा, तो इस समाज की तरक्की होगी। और हम लोग आपस में इतने जुड़े हुए थे सभी बिरादरियां, क्योंकि हमने गांव का कल्चर देखा है। एक किसान के ऊपर सब सीमित था, कहीं किसान आहिर था, कहीं किसान गुज्जर था, कहीं किसान जाट था, कहीं किसान चमार था, कहीं किसान, हर बरादरी से किसान थे। अलग अलग बरादरियों का मतलब उनके पास जमीन थी, आप जगह के हिसाब से, तो उसके साथ सारी बरादरियां जुड़ी हुई थी। भाई आप हड़को कौन बनाए, उसको खाती बनाए, आदमियों का काम बांटा था, जातियां नहीं बांटी। जातियां था ये आप जैसे, हमारे जैसे जो लोग हैं इन्होंने बांटी है, जातियां नहीं है। मैं जातियों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि काम बांटे थे। भाई ये भाई तुम्हारा घर बना देगा, भाई ये भाई तुम्हारी टूम गढ़ देगा, सब उसी किसान पे निर्भर। वहीं पे खेत में मौके पे बंटवारा होता था, वहीं हड़ जोड़ने वाला दूसरा भाई था, तो एक ये मिला जुला समाज था और सब का आपस में एक भाई बाल काट रहा था, वही उनके रिश्ते करने जाता था। पूरे समाज के नाई और ब्राह्मण रिश्ते करके आते थे, वो जोड़ मिलाते थे, तो पूरा समाज एक मिला जुला था। आज राजनीति के लिए महापुरुषों को भी यूज करके और ये समाज को बांटने का काम करते हैं। तो मैं इन दोनों देवताओं को, हमारे दोनों भगवान को मैं फिर से नमन करता हूं और सभी को मैं कहता हूं, इन महान आत्माओं को जाति तक सीमित ना रखा जाए। ये हमारे सबके भगवान थे और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको अपनी दिल की गहराइयों से मैं आप सब को शुभकामनाएं देता हूँ। आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, भाई विक्रम डिमोलिया जी, मनोज दून जी और पूरी इनकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस तरह के प्रोग्राम अपने, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि महीने में करते रहो और इसके ऊपर काम करो, क्योंकि सिखिज्म से भी बड़ा सीखने को मिलता है। अभी आप बात कर रहे थे इंडिया की नहीं, मैं मलेशिया का और सिंगापुर गए तो वहां भी गुरुद्वारे चालू है, थाईलैंड में भी गुरुद्वारा, दुबई में भी गुरुद्वारा मैंने देखा है। तो हर जगह भाई गुरुद्वारे वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो भी अच्छा काम करे समाज में, उसमें हमने ये नहीं देखना है सिख अच्छा कर रहा है तो उसकी बड़ाई ना करें। भाई ये कोई मुस्लिम भाई अच्छा काम कर रहा है तो उसके भी साथ खड़े हो, उसकी भी बड़ाई करो। भाई समाज से जितना वैर विरोध खत्म होगा, जितना आपस में भाईचारा बढ़ाओगे, हर आदमी की जरूरत है, कोई जाति विशेष की जरूरत नहीं।
जैसे सर छोटराम ने यहाँ स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, तो उसका नाम खाली उजाटो को इतना प्रेरित किया, तुम भी समाज में कुछ योगदान करो। जिसके पास पैसे नहीं थे उसने यहाँ दिहाड़ी मजदूरी की थी, भाई तेरे पास पैसे नहीं है, तू दो दिन मिट्टी डालेगा, तू दो दिन ईंट पकड़ा के आएगा। तो हर आदमी ने काम किया था। अब तुम्हारा भी समाज में योगदान होना चाहिए, शिक्षा के लिए आप लोग योगदान करो। इसमें ऐसा नहीं हुआ कभी भी अजाटों के बच्चे ज्यादा पढ़े हो, सभी बिरादरियों के बच्चे पढ़े इसमें खूब। और मैं अंत में फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ, सर छोटराम को नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय दादा छोटराम।